हेलो दोस्तों, मैं हूँ आर्या रॉय और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दी ऑल न्यू हीरो पैशन प्रो 110cc BS6 एडिशन का वॉक अराउंड रिव्यू एंड डिटेल स्पेसिफिकेशंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आज आपको इस बाइक का फुल डिटेल देने वाला हूँ इस रिव्यू में, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बाइक रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको चाहिए एक ऐसी बाइक जिसमें आपको डिसेंट पावर, टॉर्क, स्पीड, माइलेज, ओवरऑल लुक्स, ये सब फीचर्स आपको अगर एक ही बाइक में चाहिए, तो आई थिंक दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। दोस्तों, इस बाइक के बॉडी फ्रेम के बारे में कहा जाए तो इसमें आपको डायमंड टाइप चेसी मिल जाता है, और इसका एडवांटेज ये है कि आप आसानी से मैनूवर कर सकते हैं, गाड़ी को आराम से हैंडलिंग कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से डायमंड टाइप जो बॉडी फ्रेम होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। अब इस बाइक का जो टायर्स हमें प्रोवाइड किया गया है वो है दोनों तरफ, फ्रंट और रियर दोनों तरफ इसमें सेम साइज़ के टायर्स आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको 80/118 का टायर मिल जाते हैं। इसमें आपको दोनों तरफ ट्यूबलेस और डायरेक्शनल टायर्स मिल जाते हैं। तो ट्यूबलेस टायर्स होने की वजह से क्या होता है कि आपको लॉन्ग रूट पे कोई तकलीफ़ नहीं होगा। अगर बाई चांस पंक्चर हो भी जाए तो भी आपको टाइम मिल जाएगा इसको रिपेयर कराने के लिए। और डायरेक्शनल टायर्स के जो एडवांटेज है वो मैं क्या बताऊं कि इसमें अगर टायर्स जब मोशन पे होता है तो क्या होता है कि पत्थर आके घुस जाता है उसके अंदर, तो डायरेक्शनल होने की वजह से ये पत्थर को बाहर की तरफ फेंक देता है जब मोशन में होता है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे लगा। इस बाइक के व्हील्स के बारे में कहा जाए तो इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों तरफ एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, वो भी ब्लैक कलर में, देखने में बढ़िया लग रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स यानी कि इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों तरफ 130mm डायमीटर ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, और इसका एक दूसरा वेरिएंट भी है जिसमें आपको फ्रंट की तरफ 240mm डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें प्राइस में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। और इसमें आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम तो मिल ही जाता है, यानी कि फ्रंट और रियर दोनों ब्रेक्स जो काम करते हैं वो 60-40 रेशियो में काम करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन यानी कि इसके कंफर्ट लेवल के बारे में।
तो इसमें आपको जो फ्रंट की तरफ सस्पेंशन दिया गया है वो है 30mm डायमीटर कन्वेंशनल फॉर्क, और रियर की तरफ आपको जो सस्पेंशन मिलता है वो है ट्विन शॉक सस्पेंशन। तो कंफर्ट के मामले में ये आपको बहुत ही बढ़िया कंफर्ट प्रोवाइड कराएगा। द हार्ट ऑफ दिस बाइक यानी कि इसके इंजन के बारे में कहा जाए तो इसमें आपको 113.2 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन मिल जाता है, जिसका मैक्सिमम पावर है 6.73 किलोवाट एट द रेट 7500 आरपीएम, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 9.79 न्यूटन मीटर एट द रेट 5000 आरपीएम। इस बाइक का जो बोर है, इंजन का जो बोर है वो है 50mm, और इसका जो स्ट्रोक प्रोवाइड किया गया है वो है 57.8mm। अब इसके एग्जॉस्ट पाइप में आप देख सकते हैं जो इंजन से आ रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सेंसर और एक कैटलिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है इसके साइलेंसर पाइप में। इसका जो साइलेंसर है वो ब्लैक कलर का देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और साइलेंसर के पास आप देख सकते हैं कि इसमें जो चेन कवर दिया गया है वो भी ब्लैक कलर में है, फुल्ली ब्लैक, और ये प्लास्टिक का चेन कवर है लेकिन फुल चेन कवर होने की वजह से इसमें धूल मिट्टी नहीं लग सकता। और इसमें जो रबर फुट पैड्स है वो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि अगर फुट पैड्स आपको रबर के दिए गए हैं तो इसमें आपका जो वाइब्रेशन है वो कम महसूस होगा, बहुत ही कम महसूस होता है इसमें, तो लॉन्ग टूर पे आपको कंफर्ट के लिए ये बहुत ही काम आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो इसमें आपको एक स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल इंडिकेटर, FI मेलफंक्शन लाइट, I3S इंडिकेटर और न्यूट्रल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, और यह आपको इकोनॉमी मोड भी शो करता है। तो इसमें लगभग सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं कॉमनली जो भी काम आते हैं। बहुत ही मस्कुलर टाइप एक टैंक मिल जाता है आपको इसमें, और इसमें ट्रिपल टोन ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो टैंक का कलर है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कलर सिल्वर कलर जो दिख रहा है वो बहुत ही चमकदार है, और इसके फ्यूल टैंक का जो कैपेसिटी है वो है 10 लीटर्स। इसमें आपको बड़े आराम से 65 to 70 km/h तक का माइलेज मिल जाता है। तो अगर आप इसके फ्यूल टैंक को फुल कराते हैं, 10 लीटर्स का जो फ्यूल टैंक है फुल कराने पे आपको 650 to 700 km/h का रेंज मिल जाएगा। इस बाइक में जो सीट का क्वालिटी आपको देखने को मिलता है ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, और ये आपको लॉन्ग टर्म जो राइड है उसमें कंफर्ट प्रोवाइड ज़रूर कराएगा, क्योंकि इसका कुशनिंग बहुत अच्छा है और इसमें जो फोम दिया गया है वो भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है।
इस बाइक का जो बॉडी डायमेंशन है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें आपको लेंथ जो मिलता है बॉडी का वो है 2036 mm और इसका विड्थ है 715 mm और इसका जो सीट हाइट है वो बहुत ही डिसेंट है और ये किसी भी हाइट के बंदे के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है, वो है 799 mm। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मुझे बहुत ही पसंद आया, इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm। अब सीट के एंड में आपको इसमें एक ग्रैब रेल भी मिल जाता है जो पिलियन के लिए बहुत ही काम आता है। अब इसके इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में कहा जाए तो इसमें आपको 3Ah का मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिल जाता है और इस बाइक में आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों मिल जाते हैं। दोस्तों इसके हेडलैम्प, टेल लैम्प और इसके इंडिकेटर्स के बारे में कहा जाए तो ये दिखने में बहुत ही स्टाइलिश लग रहे हैं और ये बहुत पावरफुल भी हैं, तो मुझे तो ये बहुत ही बढ़िया लगा। दोस्तों इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 117 kg और इसका जो डिस्क वाला वेरिएंट है उसका वेट है, कर्व वेट है 118 kg। दोस्तों इसका ओवरऑल जो लुक्स मुझे लगा वो बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही मॉडर्न टाइप लगा 110cc सेगमेंट के हिसाब से, और मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद आया। लेकिन आपको कैसा लगा इसका लुक्स, इसका वॉक अराउंड रिव्यू आप बताइए कि ये देखने में आपको कैसा लगा, कमेंट में आप ज़रूर बताइए। दोस्तों ये जो कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है मून येलो कलर और इसके अलावा भी और भी कलर्स अवेलेबल है जो मैं आपको फ़ोटोज़ में दिखाता हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कौन सा कलर आपको देखने में सबसे अच्छा लगा। तो इसमें और भी कलर्स है जैसे कि ब्लू कलर, रेड कलर और ग्रे कलर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए फिर से लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।